नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। गुजरात दंगों को लेकर माफी मांगे मोदी, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने शुक्रवार को गुजरात दंगों का मुद्दा एक बार फिर उठाया और रॉ के पूर्व प्रमुख एएफ दुलाट के दावों का संदर्भ देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2002 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के लिए माफी की मांग की। गौरतलब है कि वर्ष 2002 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार ने सत्तारूढ़ पार्टी पर आतंकवादियों और आतंकवाद के साथ हमेशा समझौता करने का आरोप भी लगाया। कुमार ने दुलाट के हवाले से कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मानते थे कि वे गुजरात दंगों के कारण वर्ष 2004 का चुनाव हार गए। वाजपेयी ने तब मुख्यमंत्री मोदी को राजधर्म का पालन करने की याद दिलाई थी। ऑपरेशन के बाद हेमा मालिनी की हालत में सुधार। सड़क दुर्घटना में घायल 66 वर्षीय अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी का शुक्रवार को जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। इस समय वे स्वस्थ हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हेमा की नाक की हड्डी भी मामूली रूप से टूट गई थी। नाक और भौहों के समीप प्लास्टिक सर्जरी की गई है। घावों को भरने में 6 सप्ताह का समय लगेगा। हेमा के पति धर्मेंद्र, बेटी ईशा देओल और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अस्पताल में भाजपा सांसद को देखने पहुंचे। व्यापम घोटाले की जांच कर रहे एसटीएफ अधिकारियों को धमकी। हाई प्रोफाइल व्यापम घोटाले की जांच कर रहे एसटीएफ के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्हें गिरोह में शामिल कथित रूप से कुछ प्रभावशाली लोगों से धमकियां मिली हैं। एसआईटी के प्रमुख रिटायर्ड जज चंद्रेश भूषण ने कहा कि एसटीएफ के शीर्ष अधिकारियों ने मुझसे हम देख लेंगे जैसी कुछ धमकियां मिलने संबंधी शिकायत की है। मैंने उनकी शिकायतों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पास भेज दिया है जो इस घोटाले की जाँच की निगरानी कर रहा है। महंगा पड़ा सपा नेता के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक व्यक्ति को समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग के बारे में सोशल साइट फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नखाशा थाना प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने शुक्रवार को यहां बताया कि सपा नेता वर्ग के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में नवनीत वार्ष्णेय नाम के व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A और 504-505 में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी वर्ग के समर्थक वसीम अहमद की तरफ से दर्ज कराई गई है जिसमें उन्होंने टिप्पणी पर तनाव पैदा होने की आशंका जताई है। वार्ष्णेय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब कुत्ते का भी आधार कार्ड बना। थोड़े दिन पहले हनुमान जी का आधार कार्ड बनने की खबरें आई थी, उसके बाद गाय का परीक्षा प्रवेश पत्र बनने की, अब कुत्ते का आधार कार्ड बनाने की खबरें आ रही हैं। वाकया भिंड जिले के उमरी का है जहां आधार कार्ड पंजीयन केंद्र के ऑपरेटर ने मजाक में अपने पालतू कुत्ते का आधार कार्ड बना लिया। खबरों के अनुसार पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर की गई जाँच के बाद जिले के उमरी निवासी साजन खान को गिरफ्तार करके कुत्ते के लिए टॉमी सिंह पिता शेरू सिंह नाम से बनाया गया आधार कार्ड भी जब्त कर लिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webduniya.com। नमस्कार।